क्योंकि हमारी नज़र पूरे शहर के ऊपर रहती है। हम शहर में घूमते हैं, हम शहर से बाहर गुलछर्रे नहीं उड़ाते, शहर में हमारी नज़र रहती है। जो आज के मौजूदा आमदार है वो आपसे अगर मशवरा लेने के लिए आए कुछ कोई बात कर तो क्या आप उनको शहर के अच्छे काम के लिए मशवरा देने में थोड़ी कोई गलत बात है तो आप उनको मशवरा देंगे? लेकिन वो पहले आके बोले तो वो लेने को तैयार कहाँ है, पैसा लेने के लिए तैयार रहते खाली हो। स्टैंडिंग 3 लाख में ब्लैक 5 लाख में ब्लैक होती तो उनका तो मकसद ही कुछ और रहता ना। उनका मकसद शहर में काम करना नहीं है, और वैसे भी वो बात उजागर होगी 1 साल पूरा होने के बाद। केक काटे, तुम कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ है। 5 साल भी नाकारापन था इनका, 1 साल भी नाकारापन में गया, आगे 4 साल भी नाकारापन में जाने वाले। अब दुनिया के अंदर इनके ही दोस्त बोल रहे हैं इनकी पार्टी के, क्या हर अंदर को 2.25 करोड़ मिला तो मैं मानता हूँ 50 लाख इनको मिला, उन्होंने वो तो दिए 50 लाख कोविड के अंदर कलेक्टर को, 2.25 करोड़ गया कहाँ, उसको ढूंढना पड़ेगा अभी। सबसे पहले मैं तमाम हमारे देशवासियों को, शहरवासियों को, हिंदू तमाम मेरे हमवतन भाई हिंदू भाइयों को आज के दिन की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। कांग्रेस परिवार और मेरे पूरे परिवार की ओर से आने वाला साल हमारा अच्छा जावे, शुभ शुभ सबके लिए जावे, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। और आज जो मैंने पत्रकार परिषद बुलाई थी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, जो मालेगांव शहर के आमदार महोदय ने जो बात कही कि मेरे काम के अंदर रोड़ा लाया जा रहा है, मेरे काम को रोका जा रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आती इनका काम है कहाँ। अगर इनका कोई फंड मंजूर हुआ तो इन्होंने पहले कोई लीटर बताना, इन्होंने अगर कोई फंड लाया है तो वो PWD के अंदर रिकॉर्ड बताना। ये बोलते हैं कि मैंने गवर्नमेंट में दे के रखा हूँ, बजट का इंतज़ार है। तो मालेगांव कॉरपोरेशन के पास थोड़ी बजट का इंतज़ार था। ठीक है, इनके लोग इनको कहते हैं कि तुम कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ है, इनको अगर शर्म नहीं आती तो बहरहाल हमको तो शर्म आती है, क्योंकि हम भी शहर के, इस शहर के तमाम शहरियों के साथ यहाँ पे रहते हैं। इसलिए महापुर साहब की हमारी बातचीत हुई और उनसे बोला गया, महापुर साहब को मशवरे के अंदर ये बात हुई हमारे कारपेंटरों के कि कोई भी हालत में हमको 1 करोड़ का काम शुरू करना चाहिए, इसीलिए 9 करोड़ का बजट हमने वर्क किया और उस फंड से इस रास्ते को बनाया जाएगा, बल्कि एस्टिमेट रेडी है, दीपावली के बाद में 1-2 दिनों के बाद में इंशाल्लाह टेंडर कॉल हो जाएगा। पास से मंदी हाईवे तक का 50 लाख रुपए रखा हमने, निज़ामिया मस्जिद की गड़ 80 लाख रुपए का, वो टेंडर अभी हो जाएगा। तो ऐसे हम शहर के ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। अब जो हजरत बोलते हैं कि इनको अगर बनाना है शहर के रास्ते बनावे, आमदार बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है गटर रोड का, इन्होंने पिछले दिनों बोला, तो मेरी इनको कहना है अनुभव और तजुर्बे के हिसाब से कि अच्छा अगर तुम कोई फंड लाते होगे, अगर सरकार तुमको दे देगी तो, तुमने तो ऐसा काम करके रखे पैसा ले लिया रोड नहीं दिए सरकार को, नॉन नोटिंग रहे, तो मुझे लगता है इनको पैसा मिलने वाला है। अगर लेकर आ गए तो शहर बहुत बड़ा हो गया है, तो हम अपने बाकी शहर के अंदर जो रास्ते ख़राब होंगे वो रास्ते इन्होंने बना देना। और इनको मालूम भी है कि पूरा ही बजट बन रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इनको समझते ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। लेटर दे दिया, ML कर दिया, भुजबल साहब से मिल लिया, इसकी बदली कराने क्या
तो ऐसा ऐसी तरीके से नहीं होता है। आमदार होने के बाद में जिम्मेदारी निभाना पड़ता, मंत्रालय में और विधान भवन में वक्त देना पड़ता, हर काम के ऊपर फॉलोअप लेना पड़ता, जा करके अंदर निवास के अंदर खाली आराम फरमाने के लिए अंदर की नहीं रहती है। बड़ी बड़ी होटलों के अंदर खाना खाने से अंदर की नहीं होती। शहर की जवाबदारी अगर तुम पे आई है, लोगों ने अगर तुम्हारे को किसी मकसद से अगर चुन के भेजा है कि अब ये कुछ जाके पिछले में इनसे 5 साल में इन्होंने इस 5 साल में कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने एक ही साल में रिजल्ट दे दिया। अब शहरियों को भी समझना है कि आने वाले कारपोरेशन में किसके साथ रहना है। तो नाकारा आदमी के साथ नहीं रहते हुए काम करने वालों के साथ रहना चाहिए, ऐसी मेरी शहरवासियों से भी गुजारिश है।